हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाकोस की फिलिंग बनाएंगे विद होममेड साल्सा। और इसके लिए हम रेगुलर घर के राजमा यूज़ करेंगे जो इजीली अवेलेबल होते हैं हम सबके घर में। तो प्लीज़ आप डू ट्राई लाइक दिस। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ले रहे हैं, ये ऑलिव ऑयल है। इसमें 50 ग्राम हम मक्खन डाल रहे हैं जो कि सॉल्टेड बटर है। 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक है, आप गार्लिक और भी बढ़ा सकते हैं, अराउंड 1/2 टेबलस्पून। और मैंने 1 टेबलस्पून डाला है गार्लिक। इसमें 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड रेड चिली डाली है, लाल मिर्च डाली है मैंने, ये 1 कप चॉप्ड अनियन है। इसमें हम 2 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून हीब जीरा पाउडर, भर के जीरा पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। अब इसमें हम 1 कप अपनी टोमेटो प्यूरी डाल रहे हैं, ये होममेड है, मार्केट की टोमेटो प्यूरी नहीं है। अगर आप मार्केट के ले रहे हैं तो थोड़ी कम क्वांटिटी में डालिए। ये पार्सली डाला है हमने 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया। ये 1 कप स्मॉल वेराइटी के मैंने राजमा लिए जो कि डार्क इन कलर होते हैं, इसको मैंने बस भिगो के बॉयल किया है, विसल दी है। और अनदर 1 कप हम लॉन्ग वेराइटी के राजमा डाल रहे हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरह से दिखाया है, आप कोई भी वेराइटी के राजमा ले सकते हैं। ये मैं 1/3 to 1/2 कप ये मैं मैश्ड राजमा डाल रही हूँ, ये लॉन्ग वेराइटी वाला ही राजमा है, मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर दिया था। अब मैंने ये टोमेटो केचप डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप डाल रही है। आप एंड में 1/2 to 1 टेबलस्पून और बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्वीटनेस कम लग रही है। ये देखिए हमने भुनते भुनते इसको, मैंने खुला ही भुना है, ढक के नहीं पकाया, और भुनते भुनते देखिए कितने अच्छे सूख गए हैं। ये मैंने 1/2 कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम डाल रही हूँ, एंड में डालनी है, हमें क्रंचीनेस चाहिए कैप्सिकम में, हम इसलिए हमने पहले ही नहीं डाली। आप चिली की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं, रेड चिली की फ्रेश एंड पाउडर, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। साल्सा के लिए हम 2 टमाटर ले रहे हैं, अच्छे बड़े लाल टमाटर, फॉर्म टमाटर, इसको पलट पलट के हम भुनेंगे गैस पे। मैंने हल्का सा इन पे ऑयल लगा दिया था, वो ऑप्शनल है। ये देखो रेडी है, स्विच ऑफ कर दिया फ्लेम, इसको ठंडा करेंगे अब हम। ऐसे ही मैंने 3 साबुत लाल मिर्च ली है जो कि लंबे साइज की है, कोई भी वैरायटी की ले सकते हैं, आप और भी ले सकते हैं 2-3 ज़्यादा, आपको चिलीनेस पसंद है तो। बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, और ये रेडी है। यह टमाटर और मिर्च ठंडे हो गए, हम इसको ऐसे हाथ से मैश करेंगे अच्छी तरह। देखिए ये हो गए हैं मैश। 1/3 कप मैंने चॉप्ड टोमेटो ली है, 1/2 कप मैंने चॉप्ड अनियन ली है, ये मैंने लाल मिर्च ली है 2, ये मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है मैंने, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसमें ऑलिव ऑयल का ही फ्लेवर अच्छा आता है, एंड मैं पार्सली डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 1/4 कप मैंने बॉइल्ड कॉर्न कर्नल्स लिए हैं। ये हमारा साल्सा रेडी है। अब इसको हम फ्रेंड्स हम चिल करेंगे। साल्सा हमेशा चिल ही सर्व किया जाता है, कॉर्न आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। और सारा मसाले एक्यूरेट है, आप खट्टापन और नमक चेक कर लीजिए, मिर्च आप और बढ़ा सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं 2-3 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड, और इसको हम चिल ही सर्व करेंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए ताकि ये चिल हो जाए। ये हमारे होममेड टाकोज है, इसमें हम ये अपनी राजमा की फिलिंग कर रहे हैं। राजमा का हमें रूम टेम्परेचर चाहिए और साल्सा हमें चिल लगाना है। ये चिल हम राजमा ले रहे हैं, हम साल्सा और ये राजमा के ऊपर हमने चिल साल्सा लगा दिया है। ये हमने चीज स्प्रेड लिया है कोई भी ब्रांड का, इसको हमने थोड़ा सा कर्ड डाल के लिक्विडिफाई किया है। देखिए हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं। ये टाकोस अनफ्राइड है फ्रेंड्स, ये होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ सून शेयर करूंगी। और हम ऐसे थिक ही करने हैं राजमा, पका पका के, बिल्कुल पतले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका टाको शेल सॉगी हो जाएगा। ये देखिए चिल साल्सा डालने के बाद हमें चीज़ स्प्रेड
और जो हमने कर्ड मिला के डिप बनाई है, ये हम इसको ऊपर से स्प्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे ही आप सारे अपने टाको शेल्स रेडी कर लीजिए। और ये डिप बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स इसके साथ, आप ज़रूर ट्राई करिए इसी तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।